हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल नंबर 4 तक कवर कर लिए थे। अब हम एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 है, डिटरमिन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5। वो एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म 5 हो और सेवन्थ टर्म 9 हो। एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि mth टर्म ऑफ एन एपी माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी होता है m माइनस n इंटू डी। mth टर्म माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी इज m माइनस n इंटू डी। अब मूव करते हैं, यहाँ पर थर्ड टर्म हमें दे रखी है 5, सेवन्थ टर्म हमको दे रखी है 9। mth टर्म माइनस nth टर्म का फॉर्मूला m माइनस n इंटू डी, m की जगह 7 और n की जगह 3, यानी a7 माइनस a3। A7 माइनस A3 यानी 9 माइनस 5 ये है 4। A7 माइनस A3 का फॉर्मूला 7 माइनस 3 इंटू डी। यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू आ गई 1। D आ गया 1। अब थर्ड टर्म दे रखी है 5, तो थर्ड टर्म 5, टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d इक्वल टू 5। d के प्लेस पे 1 रख देते हैं तो a प्लस 2 इक्वल टू 5। 2 को लाए राइट में, 5 माइनस 2, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1। तो हमारी ap हो गई पहली टर्म 3, उसमें एक ऐड कर दो अगली टर्म, फिर एक ऐड कर दो, फिर एक ऐड कर दो, तो हमारी रिक्वायर्ड ap है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो थर्ड टर्म हमें 5 दिखाई दे ही रही है, सेवन्थ टर्म 1, 2, 3, 4, हम सेवन्थ टर्म इसी तरह मूव करेंगे तो 9 आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 6 पे मूव करते हैं, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो हमारी पहली टर्म हमको दिखाई दे रही है 5, कॉमन डिफरेंस 11 में से 5 माइनस करो, 17 में से 11 या 23 में से 17, हर बार 6 आ रहा है तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 6। मैं मान लेता हूँ nth टर्म 301 है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301, a के प्लेस पर 5, d के प्लेस पर 6 इक्वल टू 301। 5 को लाओ इधर, 301 में से गए 5, 296, ये 6 इधर आकर के हो गया डिवाइड, यहाँ से आ गई n की वैल्यू, तो n माइनस 1 इक्वल टू 296 बाय 6। सिंप्लीफाई करा 148 बाय 3, 148 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। n माइनस 1 नेचुरल नंबर नहीं है तो इट मीन्स n भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब चूंकि n एक नेचुरल नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे 301 is not a term of this AP. अगले एग्जाम्पल पर मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। दो डिजिट वाले कितने नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, तो दो डिजिट वाले नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 पर खत्म होते हैं। पहला नंबर जो दो डिजिट का हो और 3 से डिवाइड होगा वो हो जाएगा 12, फिर 3 ऐड करते जाओ, अगला हो जाएगा 15, फिर 18 एंड इस तरीके से मूव करेंगे, हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा 99। तो हम बोलेंगे कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स है 12, 15, 18 अप टू 99। यहाँ फर्स्ट टर्म हो गई 12, कॉमन डिफरेंस 12, 15 में से 12 या 18 में से 15 माइनस किया 3, लास्ट टर्म है 99। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, a के प्लेस पर 12 रख देते हैं, d के प्लेस पर 3 रख देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 12 को लाए इधर, 99 में से गए 12, 87, 3 से कर दिया डिवाइड 29, n माइनस 1 इक्वल टू 29, तो n की वैल्यू हो गई 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 नंबर्स ऐसे हैं जो दो डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल हैं, दैट इज देयर आर 30 नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 3। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली क्लास के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 8, 9 स्टार्ट कर देंगे।
थैंक यू वेरी मच।